बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रेडिट क्रिएशन और प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? कमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट। दे एडवांस मच मोर देन व्हाट दे कलेक्ट फ्रॉम पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। लोगों से वो जितना लेते हैं उससे कहीं ज्यादा वो क्रेडिट क्रिएट कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। वो एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं उसके जरिए। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंस टू ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, थस मेकिंग देम मोर डेवलप्ड देन बिफोर। तो करते कैसे हैं, तरीका कार के असल तो हमारा ये है, हार्ट ऑफ द मैटर। लेकिन ये हमें पता चला यहाँ पे इस थीरी से कि क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस के जरिए, ये फैक्ट्रीज हैं चूंकि क्रेडिट की, और जितना हम डिपॉजिट करवाते हैं उससे कहीं ज्यादा वो क्रेडिट क्रिएट कर लेते हैं। द जी बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रेडिट मनी इज द बैंक डिपॉजिट्स। बुनियाद क्या है? जो बैंक में हम डिपॉजिट करवाते हैं, जो कस्टमर डिपॉजिट करवाते हैं, उसी से वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। दूसरी बात, द बैंक डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप्स वाइज। दो दो टाइप्स हैं डिपॉजिट्स की, एक प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं और दूसरे सेकेंडरी डिपॉजिट डेरिवेटिव डिपॉजिट्स होते हैं। डेरिवेटिव, ठीक है डेरिवेटिव। हाँ जी, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स होते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स तो वो हैं जो फिक्स होते हैं और जो होने ही होते हैं, लेकिन डेरिवेटिव भी होते हैं। लेट मी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स अराइज आर फॉर्म्ड व्हेन कैश और चेक इज डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स। मतलब जनरल पब्लिक में से जब कस्टमर डिपॉजिट करवाते हैं तो वो प्राइमरी डिपॉजिट डिपॉजिट्स कहलाएंगे। व्हेन ए पर्सन डिपॉजिट्स मनी और चेक, द बैंक विल क्रेडिट इज अकाउंट। तो बैंक क्या करता है, पैसे अपने पास ले लेता है और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर देता है। यू नो वेल, द कस्टमर इज फ्री टू विदड्रॉ द अमाउंट वेन एवर ही वांट्स बाय चेक। चेक के जरिए या आजकल जैसे प्लास्टिक मनी भी है तो उसके जरिए जब कभी वो चाहे वो अपने पैसे विदड्रॉ कर सकता है। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स और कैश डिपॉजिट्स। दो नाम है इसके, प्राइमरी डिपॉजिट भी इसी को कहते हैं, कैश डिपॉजिट भी इसी को कहते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट क्लियर हो गया। जी सर। अब डेरिवेटिव डिपॉजिट्स पे बात करते हैं। बैंक डिपॉजिट्स आर आल्सो अराइज व्हेन अ लोन इज ग्रांटेड और व्हेन अ बैंक डिस्काउंट्स अ बिल और परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी बैंक जब लोन देता है या फिर किसी बिल को डिस्काउंट करता है, यानी किसी हुंडी को बट्टा लगाता है या बिल को डिस्काउंट करके देता है किसी को, तो उस वक्त भी डिपॉजिट आते हैं। डिपॉजिट्स विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ ग्रांटिंग लोन और परचेज ऑफ एसेट्स बाय अ बैंक आर कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। ये डेरिवेटिव डिपॉजिट्स होते हैं, जो लोन देते वक्त डिपॉजिट्स आते हैं और या फिर वो बिल डिस्काउंट करता है। इसमें सर मतलब सिर्फ लोन गवर्नमेंट को लोन्स ऑलरेडी जो देती है उसी का ही जिक्र होगा। नहीं, उसके अलावा भी, मतलब आप कस्टमर को जो लोन देता है बैंक, तो उसने वापस लेने होते हैं ना, तो वो वापस लोन डिपॉजिट वापस भी तो देते हैं ना वो लोन जी विद सर। इंटरेस्ट। तो उसकी बात हो रही है कि मतलब जब लोन ग्रांट करते हैं तो और बिल डिस्काउंट होते हैं वो भी वापस आते हैं, या उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब परचेज करता है बैंक तो उस वक्त भी ऐसे होता है। तो डिपॉजिट्स विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ ग्रांटिंग लोन और परचेज ऑफ एसेट द बैंक आर कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। इन द बैंक प्ले एन एक्टिव रोल इन द क्रिएशन ऑफ सच डिपॉजिट्स, दे आर आल्सो नोन एज एक्टिव डिपॉजिट्स। अब इनका दूसरा नेम पिछले कैश डिपॉजिट्स थे तो ये क्या है, ये एक्टिव डिपॉजिट्स कहलाएंगे। डेरिवेटिव डिपॉजिट्स दूसरी चीज आ गई। इन दोनों से ही क्रेडिट को क्रिएट कर लेता है बैंक। सर दोबारा नाम बताइएगा। इसको डेरिवेटिव डिपॉजिट्स जो है इनका दूसरा नेम है, ये आपके सामने आ रहा है, एक्टिव डिपॉजिट्स भी इन्हीं को कहते हैं। एक्टिव डिपॉजिट, ठीक है सर। एक्टिव डिपॉजिट्स, अच्छा डेरिवेटिव डिपॉजिट्स हो गए। अब हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन की, कि ये क्रेडिट कैसे क्रिएट कर लेता है, यानी ये मनी सप्लाई को एक्सपेंड कैसे कर लेता है कमर्शियल बैंक। व्हेन द बैंक बायज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है लाइक प्राइस बॉन्ड,
इट डज नॉट पे द परचेज प्राइस एट वंस इन इन कैश, उसी वक्त वो कैश उसे थोड़ी पे करता है. इट सिंपली क्रेडिट्स द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अकाउंट वो क्रेडिट कर देता है, पेमेंट तो बाद में करनी होती है ना विद द परचेज प्राइस. तो गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज फ्री टू विदड्रॉ द अमाउंट व्हेनेवर इट वांट्स बाय चेक. तो गवर्नमेंट जारी बात है लेटर किसी डेट पे उसने चेक के जरिए अमाउंट को विदड्रॉ करना होता है बैंक से. तो वो कोई 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ मतलब लग जाते हैं. तो द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक टू एक्सपेंड डिपॉजिट्स थ्रू लोन्स, कमर्शियल बैंक की ये जो पावर होती है कि वो डिपॉजिट्स को लोन के जरिए एक्सपेंड करता है, एडवांसेस के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन. मतलब तीन चीजें, एक तो डिपॉजिट्स, दूसरा लोन्स, तीसरा एडवांसेस और चौथा इन्वेस्टमेंट्स. इन चार चीजों के जरिए वो क्या कर लेता है, क्रेडिट क्रिएशन कर लेता है. लेकिन अभी तो बातें थ्योरेटिकल हैं, हम आगे चल के इसको न्यूमेरिकली भी देखते हैं कि क्या करता क्या असल में बैंक होता क्या है और बैंक असल में इसमें क्या कर लेता है कि जिसकी वजह से इतना क्रेडिट क्रिएट हो जाता है. अब प्रोसेस की बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है. द बैंकिंग सिस्टम एज अ होल कैन क्रिएट क्रेडिट विच इज सेवरल टाइम्स मोर देन द ओरिजिनल इंक्रीज इन द डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक. जो उसके डिपॉजिट बैंक के अंदर आते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो क्रेडिट क्रिएट करता है. लेकिन ये कौन सी जादू की छड़ी है, ये प्रोसेस ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सपेंशन और मल्टीपल क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. इसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, इसी को मल्टीपल क्रिएशन ऑफ क्रेडिट कहते हैं और इसी को मल्टीपल एक्सपेंशन भी कहते हैं. इसी तरह सिमिलरली इफ देयर इज विड्रॉल फ्रॉम एनी वन बैंक, अगर किसी बैंक से आपने विड्रॉल करना है, इट लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन. यानी जिस तरह आप डिपॉजिट करवाते हैं तो वो मल्टीपल टाइम उसको एक्सपेंड कर लेता है, इसी तरह अगर कोई विड्रॉ करवाता है बैंक से तो मल्टीपल टाइम जो मनी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी उसकी सप्लाई कम होती है. लेकिन इसके लिए फैक्ट्स फिगर्स के साथ पैथेटिकली हम थोड़ा सा डेटा लेते हैं और उसके जरिए देखते हैं कि ये कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएट कैसे करता है कमर्शियल बैंक. द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल क्रेडिट एक्सपेंशन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय अज्यूमिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ बैंक्स एबीसी. हम लेट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने बैंक्स हैं, एबीसी तीन बैंक्स हैं. तो ईच विद डिफरेंट सेट्स ऑफ डिपॉजिटर्स, और हर बैंक के पास मुख्तलिफ डिपॉजिटर्स हैं. एवरी बैंक हैज़ टू कीप 10% ऑफ कैश रिजर्व अकॉर्डिंग टू लॉ. यानी स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक हर बैंक को जो भी डिपॉजिट आएगा उसका 10% वो रिजर्व अपने पास रखेगा, बाकी को लेंड कर देगा. यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अ न्यू डिपॉजिट ऑफ ₹1000 हैज बीन मेड विद बैंक ए टू स्टार्ट विद. तो एक बैंक ए है, उसके अंदर ₹1000 का डिपॉजिट आया है, उसके साथ उसने बिजनेस को यानी क्रेडिट को क्रिएट करना स्टार्ट करना है. लो जी, 1000 से स्टार्ट, 1000 से स्टार्ट कर रहा है. लेकिन अब होगा क्या, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं. ये देखें, सपोज अ पर्सन डिपॉजिट ₹1000 कैश इन बैंक ए. बैंक ए में वो 1000 डिपॉजिट करवाता है. एज अ रिजल्ट द डिपॉजिट्स ऑफ बैंक ए इंक्रीज बाय ₹1000. तो क्या होगा, उसके डिपॉजिट बढ़ जाएंगे. कैसे, 1000 से बढ़ जाएंगे. एंड कैश आल्सो इंक्रीजेस बाय 1000. तो जो कैश का रिजर्व है उसके पास वो भी 1000 हो जाएगा. उसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखो न्यू डिपॉजिट इतने का आया, न्यू कैश उसके पास इतने का आ गया. तो टोटल क्या उसके पास शो हो रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज में 1000 शो हो रहा है. ये तो सिर्फ मैं इसकी बैलेंस शीट आपको दिखा रहा हूँ. क्रेडिट कैसे क्रिएट करेगा ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि इसने क्रेडिट कैसे क्रिएट करना है. ठीक है, देखो अंडर द डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट ऑफ ₹1000 इन शोन ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे बैलेंस शीट के अंदर शो होगी. द
देखो बेसिकली इसके पास ये आया डिपॉजिट, ये डिपॉजिट आ गया। जी. अब इसको स्टेट बैंक कहता है कि इस डिपॉजिट का 10% आपने अपने पास रिजर्व रखना है। अब 1000 का, अगर हम 1000 का 10% निकालते हैं, 1000 का 10% तो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, क्या नाम है, 100 आएगा ना, 100 रुपीज 100 आएगा ना। जी जी सर। हाँ, तो वो ये 100 उसने यहाँ पे ले लिया अपने एसेट्स में, न्यू कैश रिजर्व उसके पास आ गया 100। और अब इस 1000 का और 100 का डिफरेंस देखें कितना आएगा, 900 ये लोन दे देगा किसी आगे, किसी पर्सन को। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। उसके पास 1000 रुपीज आ रहे हैं तो उसका 10% वो अपने पास रिजर्व रख लेगा, रख लेगा, रिमेन इंटरेस्ट के ऊपर वो लोन दे देगा। लोन दे देगा, ठीक है। तो ये तो एक बैंक की कहानी है ना, कि एक बैंक ने आगे लोन दे दिया। अब ये जारी बात है, ये जो 900 है किसी कस्टमर को उसने लोन दिया, तो जिसको लोन दिया है वो भी आगे क्या करेगा, कोई परचेजिंग करेगा। सपोज एक्स परचेजेस गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 900 फ्रॉम वाई एंड पे कैश, वो वाई से चीजें खरीदता है और उसको कैश पे कर देता है 900 का। तो वाई डिपॉजिट द अमाउंट विद बैंक बी, तो वाई जो है वो उसी 900 की अमाउंट को अपने बैंक में जमा करवा देता है। द डिपॉजिट्स ऑफ बैंक बी नाउ इंक्रीज बाय 900। तो बी जो है, बी जो बैंक है उसका कैश या उसका जो डिपॉजिट है 900 से बड़ा, इट्स कैश ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 900 आफ्टर कीपिंग अ कैश रिजर्व ऑफ रुपीज 90। बैंक बी इज फ्री टू लेंड द बैलेंस ऑफ रुपीज 810 टू एनीवन। मतलब देखिए, इसके पास ये डिपॉजिट आ गया 900 का, और 900 डिपॉजिट का अगर हम 10% निकालें तो ये 90 उसने कैश रिजर्व रख लेगा, ठीक है। 900 और 90 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 800 जो है, ये जो 800 है ये उस वो आगे लोन किसी और को दे देगा। लेकिन बैलेंस शीट भी आप देखें, उसकी बैलेंस हो रही है। अब ये जो 810 है ये आप किसी तीसरे को, बी बैंक जो है वो लोन दे देगा, किसी अपने कस्टमर को लोन दे देगा। कितने का? 810 का। कैसे देगा, क्या करेगा? इज जैसे फर्स्ट बैंक ने किया था वैसे सेकंड बैंक आगे कर देगा। ऐसे सपोज वो जी पर्सन को मतलब जी पर्सन जो है परचेजेस गुड्स ऑफ द वैल्यू रुपीज 810 फ्रॉम एस एंड पेज द अमाउंट एस डिपॉजिट। ठीक है सर, ये ये समझ आ गई है। मींस टू से कि ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक बैंक से उसने अगर लोन लिया है तो वो दूसरे बैंक में डिपॉजिट करवाया उसने पर्पस के लिए, तो उसमें से जो दूसरे बैंक में डिपॉजिट गया है वो फिर उसमें से 10% रख लेगा और फर्दर रिमेनिंग आगे लोन दे देगा। ये प्रोसेस जी, ये ऐसे बैंक टू थ्री, बैंक टू, ये ऐसे, हाँ ये ऐसे चलता रहेगा। और एट द एंड अगर हम तीन बैंक्स और तीन कस्टमर्स की बात करते हैं, अगर हम ज्यादा नहीं तो तीन की करते हैं, तो बेसिकली तो 1000 था ना, तो 1000 से आप जरा इस बैलेंस शीट को देखिएगा, 1000 से डिपॉजिट्स कितने के हो गए, 2710 के डिपॉजिट्स हो गए। और इससे बेसिकली 1000 था लेकिन उसने क्रेडिट कितने का क्रिएट कर लिया, 2439 का उसने क्रेडिट क्रिएट कर लिया। तो इस सेंस में 1000 से उसने क्या 2500 पे पहुंच गया, ठीक है। अब देखो, इसीलिए तो कमर्शियल बैंक्स को हम कहते हैं कि ये फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट है। थोड़े सा डिपॉजिट लेता है और उसको इतना क्रिएट कर देता है, इतना इनलार्ज कर देता है, या इतनी वेलोसिटी जो है बढ़ा देता है, सर्कुलेशन बढ़ा देता है करेंसी की, के बिजनेस एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। ये तो था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, लेकिन इसके साथ लिमिटेशंस डिस्कस करने के बाद हम इसको एंड कर देंगे। अमाउंट ऑफ कैश फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी लिमिटेशन में आता है। द पावर टू क्रिएट क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द कैश रिसीव्ड बाय बैंक। डिपेंड करता है कि कैश उसे रिसीव कितना हुआ है। अगर उसे कैश इतना फ्लो में रिसीव ही नहीं हो रहा है तो वो क्रेडिट भी आगे डेफिनेटली क्रिएट नहीं कर सकेगा, उस फ्लो में नहीं क्रिएट कर सकेगा। हाँ, इफ बैंक रिसीव मोर कैश दे कैन क्रिएट मोर क्रेडिट, और अगर वो लेस करते हैं तो फिर जारी बात है वो लेस क्रिएट करेगा। तो बैंक उसमें कोई हतमी फाइनल कोई अपनी तरफ से
एस्टिमेशन नहीं दे सकता। ठीक है सर। दूसरा इसके लिमिटेशन है कैश रिजर्व रेशो। आपको पता है कि कैश रिजर्व रेशो जो है वो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड करनी होती है। ऑल डिपॉजिट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्रेडिट क्रिएशन, बैंक मस्ट कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इन कैश एज रिजर्व। तो अगर सेंट्रल बैंक जो है वो ही रिजर्व बढ़ा दे, मतलब वो कहता है कि जी आप 20-30% कर दें कैश रिजर्व या 40% कर दें, तो लेस अमाउंट बचेगी आगे क्रेडिट क्रिएट करने के लिए या लेंड करने के लिए, सही ना। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है, अगर कैश रिजर्व रेशो होगा तो ज्यादा लोन नहीं दे सकेगा और अगर कम होगा तो ज्यादा लोन दिए जा सकते हैं। नंबर थर्ड पे द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, ये देखा जाएगा कि लोग बैंक पे डिपेंड कितना करते हैं। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर रहे थे, वो एक एग्जांपल, लोकल एग्जांपल हम दे रहे थे हफीज सेंटर की, कि वहां पे लोग बैठे हुए हैं और वो बैंकों में पैसा ही जमा नहीं करवाते, बल्कि वो वहीं पे अपने डब्बे भर के बैठे हुए हैं कैश के और उसी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग बैंक के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे, पता नहीं टैक्सेस से बचने के लिए या किस लिए। तो द लोन एडवांस टू अ कस्टमर शुड अगेन कम बैक इनटू द बैंक्स एज प्राइमरी डिपॉजिट। वो प्राइमरी डिपॉजिट के लिए आता तो है, लेकिन अगर लोगों को बैंक इस्तेमाल करने की हैबिट्स हैं तो, लेकिन अगर उनको हैबिट्स ही नहीं है, वो अपने घर में ही पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, तो फिर भी क्रेडिट क्रिएट नहीं किया जा सकता। उसके बाद है नेचर ऑफ बिजनेस कंडीशंस ऑफ द इन द इकोनॉमी। तो ये देखा जाएगा कि आपकी इकोनॉमी में किस किस्म का बिजनेस है। तो क्रेडिट क्रिएशन विल बी लार्ज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर कंडीशंस अच्छी हैं, प्रॉस्पेरिटी है, पीक है बिजनेस का, जारी बात है कैश ज्यादा आएगा, क्रेडिट भी ज्यादा क्रिएट होगा। लेकिन अगर अच्छी कंडीशंस नहीं है तो इट विल बी स्मॉलर ड्यूरिंग अ डिप्रेशन। तो फिर डिप्रेशन में ये क्या होगा कि क्रेडिट जो है वो कम क्रिएट होगा जब डिप्रेशन होगा। लार्ज क्रेडिट क्रिएट इन डिप्रेशन, स्मॉल क्रेडिट। अच्छा, इसके अलावा लीकेजेस इन क्रेडिट क्रिएशन, समटाइम लीकेजेस भी हो जाती हैं। अगर हम लीकेजेस की बात करें, द फंड्स मे नॉट फ्लो स्मूथली फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ऐसा भी होता है क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम आपको पता है कि इतना एफिशिएंट नहीं है। तो सम पीपल मे कीप अ पोर्शन ऑफ देयर अमाउंट्स एज आइडल कैश। तो कुछ लोग क्या है कि आइडल मतलब कैश को अपने पास जो है ना वो इकट्ठा करते रहते हैं, अपने घर पे उसको रखते हैं। तो ये लीकेज होती है, यानी वो कैश जो है वो बैंक टू बैंक जा नहीं रहा, लोग अपने पास उन्होंने रखा हुआ है, या आप ये कह लें कि उन्होंने स्पेकुलेशन की हुई है, तो ये लीकेज कहलाती है। इस वजह से भी क्रेडिट क्रिएशन जो है ना वो एक लिमिट तक क्रिएट होता है। उसके अलावा साउंड सिक्योरिटीज हैं, कुछ साउंड सिक्योरिटीज होती हैं। बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग साउंड एंड प्रॉफिटेबल एसेट्स। वो चाहता है कि ऐसे एसेट्स और ऐसे प्रॉफिटेबल एसेट्स बनाए जाएं, लाइक बिल्स हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। तो जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो फिर ज्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता वो, यानी वो अगर वो बिल्स को डिस्काउंट कर रहा है तो जारी बात है वक्ती तौर पे बिल अगर वो एक महीना पहले डिस्काउंट कर रहा है या दो माह पहले डिस्काउंट कर रहा है, तो एक दो माह के लिए तो उसे ही शॉर्टेज का मतलब सामना होगा ना, फंड्स की शॉर्टेज का सामना होगा, क्योंकि वो बिल तो देखें दो महीने पहले अपने से पैसे निकाल के उसको दे रहा है, किसी भी परचेजर को उसको पैसे निकाल के दे रहा है, उसके पास तो दो माह के बाद आना है ना पैसे आने हैं। जी सर। तो उतनी देर में शॉर्टेज हो जाएगी उसके पास, ये भी एक लिमिटेशन में। लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात करें, इफ पीपल डिजायर टू होल्ड मोर कैश द पावर ऑफ बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट इज रिड्यूस्ड। यानी अगर लोग जो है वो स्पेकुलेशन करना शुरू कर जाए या फिर वो ये सोचें कि कैश अपने पास ज्यादा रखें, बैंकों पे ना रिलाय करें, तो फिर भी बैंक जो है ना वो क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की, अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगाई हुई है सेंट्रल बैंक ने, करेंसी की सर्कुलेशन को, उसकी वेलोसिटी ऐसी पॉलिसी लगाई हुई है कि उसकी सर्कुलेशन को कम किया हुआ है, तो क्रेडिट भी कम क्रिएट होगा। और अगर सेंट्रल बैंक ने लूज मॉनेटरी पॉलिसी लगाई हुई है तो फिर जारी बात है वो क्रेडिट को ज्यादा क्रिएट कर सकेगा कमर्शियल बैंक,
तो दीज वर दी लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएट